हे भगवान, आखिर कब वो दिन आएगा जब मैं चंद्रमुखी जी से कहूंगा कि आई लव यू, और वो भी मुस्कुरा कर मुझसे कहेंगी कि आई लव यू टू, फिर हम टू और हमारे टू। ऐसा है नहीं, जो घना जो है ना भारी सा छोरा पैदा कर रखा है ना, इसे संभालते क्यों ना हो, और इसे थाने में क्यों ले आए, अरे गुलगुले का पूरा नाश्ता खा गया यो, और गोपी के जो है ना इसने पेट में कंपास भोंक दी। अरे ऐसा है, जब पैदा कराए ना तो खुद ही संभालो, मैं यहाँ चौकी को संभालू। चंद्रू 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 माय बेबी, मुझे भी तो कुछ बोलने दो, बच्चे के सामने क्यों कंप्लेन करे जा रही हो। टिंकू बेटा, टिंकू देखो बेटा, पापा को मम्मी से कुछ बात करना है ना, तो आप एक काम करो, आप गोलगप्पे मामा के पास चले जाओ, वो तुम्हें गुब्बारे दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे। जाओ जाओ बेटा जाओ, हाँ टिंकू बेटा जाओ, जा बेटा जा, मम्मी पापा को बात करना है। अरे कुछ तोड़ ना दियो चौक। तुम भी बड़ी अजीब हो, बच्चे के सामने शिकायत करती हो, लड़ती हो मेरे साथ। निंग 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 निंग। चंद्रू सुन ना, ये क्या? देख चंद्रू, कल टिंकू रात को बड़ा शिकायत कर रहा था, कह रहा था कि उसे टिंकी चाहिए। क्या करती है टिंकू के टाइम पे भी कर रही थी, बड़ी वो है तू। सुन ना टिंकी को, अब टिंकी, ये क्या तरीका है भाई, यहाँ पर FIR लिखवाने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप दरअसल मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो दरअसल वेलकम कर रहा था, मैं वेलकम कर रहा था। देखिए हम जो है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारा काम है कि हम पब्लिक को, आम जनता को प्यार और सेवा दे, तो प्यार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बोलिए सेवा कैसे कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे भाई ननकौवा नुक्कड़ पर एक आदमी इस तरीके की अश्लील किताबें बेच रहा है। अच्छा, और मेरा लड़का उसे खरीद के पढ़ रहा था। भाई इसको देखो, पढ़ो और जाके उस आदमी को पकड़ो, जल्दी करो भाई। बाप का नौकर हूं मैं, लड़की पटाने के नयाब तरीके, लेट्स सी इसमें है क्या। लड़की को पटाने का एक नयाब तरीका यह है कि उसकी सिंपति हासिल करे, और उसके लिए अगर आप बीमार पड़ जाए तो ये तरीका रामबाण की तरह काम करता है। बीमार रामबाण। चंद्रमुखी जी, अब मुझे हथियार मिल गया है, अब तो मैं तुम्हारे लिए बीमार होने को भी तैयार हूँ। और मेरी दादी मैडम, अरे वो तो क्या डांस करती थी, क्या डांस करती थी। अरे एक बार तो उसने चिलमन सितमगढ़ को भी डांस में हरा दिया था। यो चिलमन सितमगढ़ कौन हो रहा? अरे हो रहा नहीं मैडम, हो रही थी, टपोलीगंज की टॉप मुजरे वाली थी वो। भाई तो थारी दादी भी मुजरे वाली हो रही थी के? ऑफ कोर्स मैडम, और मेरे दादाजी तबलसी थे, वही उन दोनों का लप्पा जप्पा इश्क कड़प्पा हो गया और दोनों ने शादी कर ली। भाई ऐसा है ना गुलगुले, हम भी तो देखें थारे में जो है, थारी ब्लड में कुछ दादी लेगेसी आई है कि ना आई है, कुछ दादी नुमा ठुमके दिखा, कम ऑन शेक योर बूटी फॉर अस। अरे ऑफ कोर्स मैडम, देखिए। भाई सर आर यू ओके? घबराइए मत मैडम, घबराइए मत, मिर्गी का दौरा लग रहा है, मैं जूता सुंघा देता हूँ। जूता मारूंगा तेरे कान के नीचे, जूता सुनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है चंद्रमुखी जी, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, इसीलिए प्लीज मुझे सहारा दे दो। सर ये सहारा लीजिए। सर रात को कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या आपने? चंद्रमुखी जी चलो मुझे कैबिन में बिठा दो। आओ चंद्रमुखी जी। मैडम आप इन्हें कैबिन में लेकर जाइए, मैं हथियारे वेज से इनके लिए काढ़ा लेकर आता हूँ। हथियारे? हाँ सर, आप घबराइए मत, वो सिर्फ नाम का हत्यारा है, लेकिन हत्यारे वैद्य के पास एक ऐसा काढ़ा है जो बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन उससे आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मैडम आप यहाँ पर खंबे जैसी क्यों खड़ी हैं? मेरा मतलब है यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर ले जाइए इन्हें, मैं काढ़ा लेकर आता हूँ, काढ़ा। सर फटा जा रहा है, जल्दी जाइए। सीने में कुछ मत मारिए, मुझे दर्द होता है, आइए। ये सर जी की तबीयत को अचानक की हो गया? हाय हाय हाय, मोटे ने पता नहीं मुझे क्या पिला दिया, रात भर जुलाब पे जुलाब, जुलाब पे जुलाब, जुलाब पे जुलाब। इंस्पेक्टर आर्यन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे सर?
सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? सर तो चुप रे मोटे गोलगप्पे। चंद्रमुखी जी, इस गोलगप्पे ने कल मुझे वो काढ़ा पिलाया जो था तो गाढ़ा लेकिन उसने मुझे पतला कर दिया। बाय गॉड, 45 जुल्लाब हुआ है कल रात भर, 45, लगता 46 वो आने वाला है। तभी सर जब आप यहाँ पर आए थे तब आपके आते ही एक बदबू का झोंका सा आया था। ओ मस्खरे, अरे क्या पिला दिया तेरे हैं? एक मिनट, मैं जरा उस हत्यारे वैद से बात कर लेता हूँ। एक मिनट, होल्ड ऑन। हेलो वैद हत्यारे, या दिस इज गुलगुले। हाँ वैद, मैंने जो कल आपसे काढ़ा लिया था वो क्या, कौन सा काढ़ा था? क्या आपने मुझे गजब गुलाब की जगह गजब जुलाब काढ़ा दे दिया? ओके सॉरी। अरे क्या कर दिया, अगर इंस्पेक्टर नहीं बढ़ जाता तो। ओहो, इनको मेरी इतनी चिंता है, इसका मतलब सच में मेरी बीमारी काम कर रही है। कोई बात नहीं, हट मोटे। चंद्रमुखी जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ इतना करें कि प्लीज मुझे लेकर आप मेरे कैबिन में चले बस। और इन सब से कह दो कि हमें कोई, मुझे कोई वहां डिस्टर्ब ना करे। देखो आप वहां रहोगी ना तो मुझे यकीन है कि मेरी टाकी ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, वो सब आपकी बात सही है, पर मरने दिखे कि आपको केबिन की ना फिलहाल जो है घर की ना बिस्तर की और देखभाल की जरूरत हो रही है। बेड रेस्ट यू नीड। सच? यस सर। तो घर चले। सर एक मिनट सर, मरने तो जो है दारू के अड्डे पे रेड मारने जाना है ना, मैं चली जाऊंगी तो चौकी कौन संभालेगा? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भैया ऐसा है, इंस्पेक्टर आर्यन को जो है इनके घर लेके जा, और तू गुलगुले चल। चलिए मैडम, थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए तांगा लेके आता हूँ, मैं आपके लिए रिक्शा लेके आता हूँ, जीप निकालो भाई। दिल जले। ओए होए होए। गुड मॉर्निंग। भैया ऐसा, दो दिन हो गए इंस्पेक्टर आर्यन का कोई अता पता ना है, ना जिंदा है या निमट गया ससुरा? हाँ जी जी मम्मी जी, उस दिन जब मैं उनको पाउडर लगाने गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा मुझसे कोई मिलने ना आए, खासकर गुड़गुड़ तो बिल्कुल नहीं। बात करो हमें, देखो सर इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? और तू क्यों है? जी हम इनके डॉक्टर है, डॉक्टर डब्बू डिस्टर्ब पूरी तरह। जो नाम बता रहा है ना कंडीशन बयान कर रहा है, और ना इसको कैसी कंडीशन में ले आया है भाई, ना गए पैदल थे आए व्हीलचेयर पे। मैडम इसे एक लड़की के साथ मोहब्बत थी जिसका नाम था मेनका, पूरी तरह उसने परसों ही किसी और आदमी के साथ शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी पूरी तरह, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया मैडम, इसलिए इसकी सोचने समझने चलने फिरने की शक्ति जाती रही, चली गई खो गई। सर मैं सोच भी नहीं सकता था आप ऐसे एक नंबर के रसिया टाइप, मेरा मतलब है दीवाने टाइप के इंसान हैं। ओ अब समझ में आया कि आप मुझे कैबिन में आए दिन मेनका समझकर किस कर लेते थे, राइट? यो के बकरा है तू वो। अरे आप लोग बंद कीजिए ये सब। अरे मैं इसे यहां इसलिए लेकर आया हूं कि क्या आप लोग अपने दोस्त को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा नहीं देखना चाहते? क्या आप लोग एक बीमार की मदद नहीं करेंगे पूरी तरह? मैडम इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है अब, और वो है मेनका, क्योंकि मेनका जो थी वो एक नंबर की मस्त मटक्कू। जी नहीं, एक नंबर की क्लासिकल डांसर थी। मैडम पिछले दो दिन से मेरा दोस्त एक भी शब्द नहीं बोला है मैडम, आज बोला एक शब्द, चंद्रमुखी। वो शायद आप ही है ना? इसीलिए मैडम, इसीलिए अगर आप इसके सामने नाचेंगे गाएंगे
तो इसके शरीर में झंझनाहट होगी, इसके पैरों में थिरकन आ जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है मैडम कि मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा पूरी तरह। नहीं 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 मैडम, नहीं, मना मत कीजिएगा मैडम, मना मत कीजिएगा। हाँ जी जी मम्मी जी, ना मत कहना जी, ना मत कहना जी। हाँ मैडम, वैसे भी आप एक नंबर की नचनिया तो हैं। मेरा मतलब है, आप कितनी अच्छी ग्रेसफुल डांसर हैं। ऐसा है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ जो है फेलो कलीग कलीग, मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना रेडी हो रही हूँ। कमाल हो गया यार, मैंने चंद्रमुखी जी की आंखों में मेरे लिए चुनावटी देखी है। सहानुभूति बे। अरे कोई भी बूटी हो मेरे दोस्त, यहाँ लड़की को लड़के के लिए हुई सिंपति और वहाँ लड़की पटी रे पटे। लेकिन जियो मेरे चीते, आहा क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। किसी को शक ही नहीं हुआ कि तुम डॉक्टर नहीं बल्कि मेरे असली दोस्त। आगे का प्लान सुन। जैसे ही चंद्रमुखी जी का डांस खत्म होगा, तू वहां ये बताना कि सर में थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। यहां चंद्रमुखी जी का डांस शुरू, वहां मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे उनकी डांस की वजह से मैं ठीक हो रहा हूं, 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 और अचानक मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, ठीक हो गया रे। समझ गया सर, सब कुछ समझ गया। अब इस डॉक्टर को तो मैडम समझाएगी। समझ गया मैडम, सब समझ गया, वो भी पूरी तरह। अरे मैडम हम क्या करें, हम तो सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे ना। ज्यादा जो है ना दोस्ती निभाने की जरूरत ना है, दुनिया से निभा दूंगी वरना मैं तने। हाँ हमारी मैडम एक नंबर की दरिंदी चंडालनी। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली है, मैं तो बस। और तू? हाँ जी भैया, साहब तो जैसी डॉक्टरी हम करवाए ना वैसी डॉक्टरी कर तू। यानी डॉक्टरी भी हमारी, मरीज भी हमारा, दवा भी हमारी और इलाज भी हमारा। ओके? हाँ, ओके ओके। कमाल हो गया, कमाल कर दिया मैडम आपने तो, कमाल कर दिया। वाह 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 वाह, ये देखो मेरे दोस्त के पैरों में थरथराहट और सनसनाहट हुई है मैडम, इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा पूरी तरह। लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना होगा मैडम। नहीं नहीं मैडम, मना मत कीजिएगा मैडम, मना मत कीजिएगा, वरना टूटा हुआ दिल और टूट जाएगा पूरी तरह। अरे डॉक्टर आज तो तू टेंशन ही कोई ना ले, ना मैं इसकी हड्डी ना मतलब हदें सरहदें सब तोड़ दूंगी आज मैं। हुई 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 हुई। तो ठीक है मैडम, इसके पैरों में और सनसनाहट और थरथराहट लाने के लिए आप इसके पैरों पर जोर जोर से कोड़े मारे। आप उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे हमारी मैडम एक नंबर की डाकू हसीना, मेरा मतलब है पीटने में एक्सपर्ट है। एक मिनट। मम्मी जी ये लीजिए बैट और सर जी की पिटाई कीजिए और एकदम ठीक हो जाएंगे आप देखना। मम्मी जी ये लीजिए बैट और सर जी की पिटाई कीजिए और एकदम ठीक हो जाएंगे आप देखना। मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता सर, को ठीक होना ही होगा सर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। ये तो नहीं हो रहा है। लाओ डॉक्टर साहब कोई और रास्ता बताइए, कोई और रास्ता बताइए। गोपी तू ये पकड़, आप इधर आइए। लाओ थोड़ी सेवा मैं भी कर लूं।
शाबाश गोपी, बुड्ढे में काफी जान्स है। बस गोपी बस बस, रहने दे। ये भाई यो के हो रहा है डॉक्टर साहब? ये 440 वोल्ट का करंट है मैडम। मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने हाथों से ये 440 वोल्ट का करंट मेरे दोस्त के शरीर में दौड़ाएंगी तो ये 2 मिनट में उठ के दौड़ना शुरू हो जाएगा पूरी तरह। Come on, बच्चे। ओहो, यो बात से तो हट पर हो। यो ले लगा। ओह, हाँ, थैंक यू। ये पकड़े जरा लगा। हाँ, ठीक से। हाँ, 440 वोल्ट बुरा है, बुरा है। वाह मैडम वाह, आपने साबित कर दिया कि आप एक नंबर की आइटम, मेरा मतलब देवी है मैडम, देवी, कलयुग की देवी मैडम। आपने एक मुर्दा नुमा इंसान को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया मैडम, वाह वाह वाह। मम्मी जी की जय हो। जय हो मम्मी जी की। बस 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 सर, भाई व्हेन आई एम नियर नो फियर, ना और कोई तकलीफ हो तो बोल दो, इलाज यहीं कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आने वाले कई साल तक मैं बीमार होने वाला ही नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे ठीक क्यों कर दिया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे अच्छा जो कर दिया। सुनिए आइए, फीस तो डिस्कस करनी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे? अरे नहीं, अरे नहीं, आपने मुझे ठीक जो कर दिया। आइए आइए मैडम, उछल के फीस देता हूँ।